Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the State of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the State of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. اتجاه قريات أربعة.
يا حبيبي जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
यहां तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल और इजरायल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी, और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the State of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together, with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the State of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.
اتجاه قريات أربعة. حبيبي thank you.
जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल और इजरायल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी, और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
هيا يلا 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 شباب هلا بدون صوت Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the State of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together, with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the State of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.
باتجاه قريه اربع. حبيبي
مجاهدان را خدا توفیق بده که जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल और इजराइल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा।
हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं। Ah!
Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. اتجاه قريات أربعة
हबीबी। जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
यहाँ तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल और इजरायल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी, और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
شباب هلا بدون صوت. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the State of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together, with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the State of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.
باتجاه قريه اربع. حبيبي we'll be right back.
जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल और इजराइल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें,
हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. اتجاه قريات أربعة Thank you.
हबीबी। जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यह
यहाँ तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल और इजरायल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी, और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
شباب هلا بدون صوت. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the State of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together, with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the State of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.
اتجاه قريات أربعة. حبيبي we'll be right back.
जब से ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल और इजरायल की जनता कमजोर नहीं है, वो ईरान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश ईरान के साथ हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। दरअसल ईरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में कई मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायल पर दागे गए। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था, जो इलाके में ईरानी टारगेट्स पर हुए हमले के जवाब में था। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए रुख से सुरक्षा परिषद ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संघर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित है। मिडिल ईस्ट में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई भड़काते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें। हम स्थानीय देशों से मौजूदा मुद्दों को राजनीतिक और राजनयिक तरीके से सुलझाने के लिए कहते हैं। हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो मौजूदा संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए संयम बरतें। मौजूदा हालात गाजा संघर्ष की वजह से हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 2728 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों ने ही ईरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि रूस ने ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी, और ये दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन दोनों ही देशों की विदेश नीति अमेरिका के बिल्कुल उलट है। और ईरानी हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा कवच दे रहे हैं।
Thank you.